आज तो यार मजा ही आ जाएगा यार, जब वीडियो पर तुमने काय क्लिक करो, जब थंबनेल के वजह से क्लिक करो ना, तो एक भी सब्सक्राइबर कम नहीं हुई है तुम्हारा, देख लियो आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश कमाल की वीडियो में। दोस्तों आज संडे में हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर। दोस्तों अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आप लोगों के मन में क्या होता है, कई सारे डाउट्स होते हैं कि नहीं, तो वो सारे डाउट्स क्या होता है हम Q&A में पूछते हैं। Q&A में जो है आप लोग जो है कमेंट करते हो, सर हमारी ये प्रॉब्लम, सर हमारी वो प्रॉब्लम। तो जितने सारे नए क्रिएटर होते हैं तो उनको भी जो है Q&A वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कई सारे अलग अलग माइंड के लोग होते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको अलग अलग नॉलेज मिले, आप लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखोगे कि YouTube पर ऐसा नहीं करो, अदरवाइज ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी के क्वेश्चन लेने वाले हैं और आप भी उन क्वेश्चन के आंसर देखना, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा इस थंबनेल के बारे में बताऊंगा कि इस थंबनेल में मैंने जो लिखा है ना, एक भी सब्सक्राइबर कम नहीं होगा, उसका भी मैं आपको जो है प्रूफ दूंगा कि हाँ एक भी सब्सक्राइबर आपका कम नहीं होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट आता है गज्जू गेमर 123 की ओर से। इन्होंने पूछा है भाई आपकी मंथली पेमेंट कितनी है। अरे भैया बस भाई मंथली पेमेंट जानवे को, अरे चलो तो बता दिए 7 और 8 के बीच में, ठीक है। बाकी मैंने स्पॉन्सरशिप नहीं जोड़ा है, मेरी मंथली पेमेंट जो यूट्यूब से आती है वो 7 के 8 के बीच में है, ठीक है, ओके। चलो चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है टेक रोहित की तरफ से। इनका जो क्वेश्चन है वो होता है कि भाई हेलो भाई, क्या फर्स्ट ब्लॉग कैसे बनाएं। तो इन्होंने पूछा कि भाई फर्स्ट ब्लॉग कैसे बनाएं। देखिए फर्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ नहीं करना होता है, ओनली अपना थोड़ा इंट्रो दो कि आप जो है इस वीडियो में क्या देने वाले हो, यानी कि अपने इस चैनल पर कैसे कैसे ब्लॉग दोगे उसके बारे में आप जो है बताओ, ठीक है। बाकी आप देखना यूट्यूब पर जाकर लगभग जो है सभी फर्स्ट ब्लॉग जो है वायरल होते हैं। थोड़ा सा अच्छा थंबनेल बनाओ, आपका भी जो है फर्स्ट ब्लॉग जरूर वायरल हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है मिस्टर एम के ऑफिशियल बुंदी की तरफ से। और एक और जो क्वेश्चन है किया है वो किया है शत्रुहन एंटरटेनमेंट की तरफ से। इनके और पहले इन दोनों के क्वेश्चन लगभग सेम ही है। उन्होंने पूछा भाई अगर हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं तो क्या अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं। और शत्रुघ्न एंटरटेनमेंट ने पूछा है सर कैटेगरी चेंज कर ली जाए तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो देखिए लगभग एक ही क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि अगर हम कैटेगरी चेंज कर लें तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, चैनल मोनेटाइज होगा या कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कभी भी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, चैनल मोनेटाइज हो जाए तब भी कैटेगरी चेंज कर लो, ऐसे जो है चेंज करते रहते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप कुछ भी डाल सकते हो यूट्यूब पर। यूट्यूब ने ऐसा नहीं बोला है कि आप एक ही चीज पर वर्क करो, जिसमें आपको अच्छा खासा व्यू मिल रहा है वो आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन्होंने किए हैं, जरा सुनना जरा। इन्होंने किया कि गेमिंग विद रितांशु ने किया है कि भाई आपकी शादी हो गई है। अरे तुम्हें बहुत जल्दी पड़ गई भाई शादी की, एक मेहमान जी वाली हुआ तो बताओ यार, फिर इन्होंने किया आपके कितने बच्चे यार चलो तो जब शादी करवा दो तो बच्चे भी हो जाए। चलो तो अगला इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप कहाँ रहते हो। देखिए भाई मैं जो हूँ MP में रहता हूँ, ठीक है। चलो तो इनके ने पूछा कि मम्मी पापा का नाम क्या है। तो देखिए भाई मेरे मम्मी पापा का नाम जो है, माँ का नाम है रेखा और पापा का जो नाम है वो है संजू साहू, ठीक है। तो चलिए अगली इन्होंने किया है एक और क्वेश्चन, इन्होंने किया कि आपकी एज कितनी है। एज, अरे भैया एज और पैसा, इनकम नहीं पूछनी चाहिए, अब नहीं बताऊंगा, इनकम तो मैंने आपको बता दी लेकिन एज नहीं बताऊंगा, छोड़ो यार। चलो फिर भी हम बताएं दे 23 ईयर के हो गए हम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है टेक्निकल पिंकू हेल्पर की ओर से। इन्होंने पूछा है भाई अगर मैं एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और टाइटल चेंज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए भाई जैसे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, मैं बनाता हूं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए या हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल, इनसे क्या होता है कि मेरा देखो एक ही टॉपिक है, बस क्या है उस टॉपिक के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो अलग है और इसका जो टाइटल है वो अलग है, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीज़ें करोगे ना, टॉपिक अंदर जो बताओगे वो अलग होना चाहिए और जो टाइटल है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले दिन बनाया सब्सक्राइबर कैसे बना, टाइटल में भी लिख दिया, दूसरे दिन में बनाऊंगा सब्सक्राइबर कैसे बना, तो आपको थोड़ा बहुत पीछे आगे पीछे थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। जैसे मैंने पहले दिन लगाया था सब्सक्राइबर कैसे बना, तो दूसरे दिन में लगा सकता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बना 2021, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत चेंज करो, ठीक है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है जिसके वजह से ये थंबनेल बना, इन्हें आपने जो है इस वीडियो पर क्लिक किया, क्यों किया। इन्होंने देखिए क्या पूछा था कि गाजियाबाद बजीगन ने पूछा था कि भाई देखिए आप भी एक क्वेश्चन सुनिए क्योंकि आपके भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। इन्होंने पूछा कि भाई शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तो देखो देखा था थंबनेल में शॉर्ट वीडियो बढ़ाएं के बाद अगर हम शॉर्ट वीडियो को डिलीट कर दें तो सब्सक्राइबर माइनस हो जाएंगे या कम हो जाएंगे समझ लो, ठीक है, तो चैनल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भाई अगर आप कोई भी वीडियो बनाओ चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, उससे हमें मान लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर मिल गए, अगर आप उसको डिलीट कर दोगे ना
तो भाई ये सब्सक्राइबर माइनस नहीं होंगे यार, सब्सक्राइबर माइनस नहीं होते, सिर्फ वॉच टाइम माइनस होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो डिलीट कर देते हैं तो हमारा जो वॉच टाइम उससे मिला है वो हो जाता है कम, ठीक है। और अगर आपको सब्सक्राइबर मिल गए, 1,00,000 भी मिल गए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता चैनल पर, भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आराम से मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो है ये थंबनेल का मतलब समझ गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है, जीके बबलू ने इन्होंने पूछा है कि जब आप चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तब आपके चैनल पर व्यूज कैसे आता था। भैया दिमाग से व्यूज आता था, हम थोड़ा दिमाग लगा लेते थे और व्यूज आ जाता था, ठीक है। क्या करते थे हम, ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लेते थे, हाँ आज ये वायरल चल रहा है चलो इस पर वीडियो बना। जैसे मैंने देखा कि हाँ पबजी वो आया था, क्या बोलते उसको, फौजी गेम, मैंने उस पर तुरंत वीडियो बना दी, ठीक है। हाल मेरे अब जाकर देखो उस पर लगभग 7-8 हज़ार के आसपास व्यूज आ गए थे उस पर, मैंने जैसे ही डाली उस पर तुरंत व्यूज आ गए थे। ऐसे मैं वायरल टॉपिक्स पकड़ता था तो व्यूज आ जाते थे, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, और आपका चैनल की किस वीडियो से जो है ग्रो हुआ था। मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने डांस सनातन का, जब भी वो वायरल चल रहे थे डांस सनातन, तो उस पर वीडियो बना दी। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें वायरल चल रही हो उनको पकड़ लो, उन्हीं से आपका चैनल की ग्रोथ होगी, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। तो मैंने क्या किया, डांस सनातन के ऊपर वीडियो बना डाली, ठीक है। वो बच्चा देखते देखते और आज के समय में उस पर 5,00,000 प्लस व्यूज आ गए हैं, उसी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। चलो तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, द क्रेजी टेक ने इन्होंने पूछा कम्युनिटी टैब कब मिलेगा। भैया कम्युनिटी टैब तो 500 सब्सक्राइबर पर मिल जाए, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं मिल रहा, तो हमने आई बटन में एक वीडियो दे दी, उस वीडियो को देख लेना, और उसमें जो मैंने 1,000 सब्सक्राइबर के लिए बोला वो आप 500 सब्सक्राइबर के लिए कर देना, ठीक है। तो आपको कम्युनिटी टैब जो है तुरंत मिल जाएगा। चलिए तो आई होप कि आप लोग जो है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोको, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट और हमारे पास नॉलेजेबल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।